Shri Gopal Krishna Maharaj ki jai, Shri Dattatreya Maharaj ki jai, Shri Chakrapani Maharaj ki jai, Shri Govinda Prabhu Maharaj ki jai, Sarvajna Shri Chakradhar Swami ki jai. सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की महती कृपा से आज हम सब यहां पर श्री कृष्ण मंदिर सेक्टर 33 सी के 34वें वार्षिक महोत्सव को मनाने के लिए एकीभूत हुए हैं. नया वर्ष जो हिंदू परंपरा का है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को अवश्य होगा, फिर भी सामाजिक तौर पर जिस नव वर्ष को हम मनाते हैं उसके निमित्त भी परमात्मा ने अपना भजन करने के लिए, अपना संकीर्तन करने के लिए आज हमें यहाँ पर एक मौका दिया है. समय मेरे पास केवल 10 मिनट का है, तत्पश्चात मैं प्रस्थान करूंगा क्योंकि अगला कार्यक्रम जो अमृतसर के अंदर है वो विलंब नहीं होना चाहिए. केवल 10 मिनट हम परमात्मा को के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करने का प्रयास करेंगे. यह दरबार दिव्य है, संत भी दिव्य हैं और भक्त भी दिव्य बन सकते हैं, आप भी दिव्य बन सकते हैं. केवल जब हम परमात्मा के श्री चरणों का आश्रय ग्रहण करें, किंतु हम जीवात्मा अपने जीवन में प्रत्येक वस्तु के आश्रय को ग्रहण कर लेते हैं. जिसके आश्रय को ग्रहण करना चाहिए उसके आश्रय को हम नहीं ग्रहण करते हैं. एक व्यक्ति था, बहुत गरीब, माता पिता भी गरीब और जो बालक था वो भी बहुत गरीब था. उसके मन के अंदर एक विचार आया, उसने एक धारणा बनाई कि मुझे धन कमाना है, पैसा कमाना है. बड़ा हुआ, अध्ययन किया, मेहनत करी और धनवान होता गया, हजारपति बना, लखपति बना, करोड़पति बना, अरबपति बना, खरबपति बना. उसके बाद पद्मपति बनता है, नीलपति बनता है. ये संख्याएं हमने कभी सुनी नहीं, न जाने कौन कौन सा पति बना धन के मामले में. बहुत धन कमाया. आज वो व्यक्ति 60 बरस का हो चुका है और अपना 60वां जन्मदिन मनाने के लिए बहुत बड़ा एक कार्यक्रम उस व्यक्ति ने रखा हुआ है. तो जन्मदिन से पूर्व उस व्यक्ति के मन में एक बात आई, मैं अपना खाता देखूं मेरे पास धन कितना है. उसने अपना खाता खोला, बैंक डिटेल खोली, एफडीआर खोले, कैश देखा और क्या देखता है कि मेरे पास इतना पैसा है कि मेरी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं. विचार किया कि आज से काम धंधा बंद, जो प्रभु कृपा से मिल गया वो मैं जमा करूंगा, अधिक नहीं. अब भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा, तीर्थाटन करूंगा, घूमने जाऊंगा, आगे का समय मैंने इसमें बिताना है. विचार करता रहा. शाम का समय हुआ, जन्मदिन के लिए बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आई हुई हैं. जन्मदिन मनाया, सभी ने बधाइयां दी. 12 बज गए रात के 1 बजे. अब वो व्यक्ति बहुत थक चुका है, सोने के लिए अपने एसी रूम में गया
और वहां पर मखमल का जो कंबल था वो लेकर सो जाता है, आनंद की नींद आई, क्योंकि पैसा बहुत हो चुका है और कल से वो आनंद करेगा। रात का समय हुआ, एक व्यक्ति वहां पर पहुंचा और इस श्रीमान का जो कंबल था उसको खींचता है। व्यक्ति उठा और कहता है कि अरे तुम कौन? एक काला कलूटा सा व्यक्ति सामने खड़ा था। श्रीमान ने कहा भाई तुम कौन, तुम भीतर कैसे आ गए? उस व्यक्ति ने कहा भाई मेरे पास ऑल परमिट है, मुझे कहीं जाने के लिए किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं। श्रीमान ने कहा तुम हो कौन? तो सामने जो व्यक्ति खड़ा था वो कहता कि भाई मैं यमराज का भेजा हुआ दूत हूं, चलो तुम्हारा समय समाप्त हुआ। धनवान व्यक्ति ने कहा भाई ऐसे कैसे, मुझे तो अभी जीना है। लेकिन यमराज के दूत ने कहा नहीं, समय समाप्त हुआ। श्रीमान ने कहा मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपया देता हूं, मुझे 1 साल की मोहलत दे दे। किंतु देवदूत ने क्या कहा, ऐसा नहीं चलता, मुझे घूस दे रहे हो। उसने कहा भाई ऐसे करो अब 50-50 कर लेते हैं, मुझे 1 महीने का समय दे दो। देवदूत ने कहा नहीं। श्रीमान ने कहा सारी धन संपत्ति ले लो, मुझे 1 दिन का समय तो दे दो। देवदूत ने कहा नहीं, सिस्टम नहीं है। तो धनवान व्यक्ति ने कहा मुझे कुछ समय दो, मैं अपने बच्चे के लिए एक खत लिखना चाहता हूं। देवदूत ने कहा जल्दी करो, समय नहीं दिया जा सकता। तो उस व्यक्ति ने अपने बेटे के लिए खत लिखा और उसमें क्या लिखता है, मेरे बेटा मन लगा के काम करना, भरपूर पैसा कमाना, लेकिन उसके साथ अपनी जिंदगी भी जीना, आनंद भी करना, स्मरण भी करना और अपनी इच्छाओं को पूरा भी करना। क्योंकि आज मरने से पहले मैं एक बात जान गया हूं कि जितनी भी धन संपत्ति है उस धन संपत्ति से मैं जीवन नहीं खरीद सकता। यह मुझे अनुभव आया है, यह अनुभव मैं तेरे लिए छोड़कर जा रहा हूं। इसीलिए हम भी अक्सर अपने जीवन में एक ही गलती करते हैं, धन को इकट्ठा करने के लिए जीवन व्यर्थ कर देते हैं। याद रखिए धन आपको मिलेगा, जीवन दोबारा नहीं मिल सकता। और आज हम लोग अक्सर क्या करते हैं, धन के लिए, पैसे के लिए किसी के भी पांव पकड़ने की बारी आ जाए हम पीछे नहीं हटते, क्योंकि मिलने वाला है। लेकिन याद रखिए जब आप परमात्मा के दरबार में आ जाते हैं और परमात्मा के श्री चरणों को पकड़ लेते हैं तो किसी के चरणों को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए आज दरबार दिव्य है, समय दिव्य है। एक छोटे से भाव के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर समाप्त करूंगा। तो भीनी-भीनी ताली के साथ आइए कुछ आनंद आज हम यहां से ग्रहण करके जाएंगे। ये दर वो दर नहीं है जो सिफारिशों से चल
वस्त्र नहीं देना,
बोलिए श्री कृष्ण अर्पण करके आप उसे वस्त्र दे सकते हो। इसीलिए जब आप लुटाने के लिए बैठते हो तो परमात्मा भी सर्वस्व लुटाने के लिए बैठ जाता है। इसलिए हाथ वो खुद ही पकड़ेगा।
मेरी एक कन्या है जिसकी शादी मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूं।
कि पितामह भीष्म आप तो अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं, आपकी कन्या कहां से आई? अद्भुत सी बात थी, लेकिन भीष्म पितामह सभी को कहते हैं कि ये मेरे और केशव के बीच की बात है। तो भीष्म पितामह क्या कहते हैं? इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभ्रमणी। तो पितामह भीष्म कहते हैं कि हे केशव, मेरी एक पुत्री है जिसका नाम है बुद्धि। आज तक वो मैंने तुम्हें समर्पित नहीं की, इसलिए इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हो गया और मैं शरशय्या के ऊपर पड़ा हुआ हूँ, किंतु आज मैं अपनी मति को, अपनी बुद्धि को तुम्हें समर्पित करने जा रही। मई बुद्धि निवेशय। जब हम अपने मन को परमात्मा में लगा देंगे, अपनी बुद्धि को परमात्मा में समर्पित कर देंगे, तो किंतु परंतु तर्क वितर्क सब समाप्त हो जाएंगे और हमारा जीवन सरल हो जाएगा। अभी हम लोगों का जीवन कैसा है? सरल तो है किंतु जलेबी की तरह। कहते तो है कि हमारा, हम जैसे सरल है वैसा कोई हो नहीं सकता। मैं भी मानता हूं सरल तो है लेकिन जलेबी की तरह। मिठास मिठास बहुत है लेकिन अदरक की कड़वाहट भी हमारे जीवन में है। तो सरल हो जाइए, बुद्धि और मन परमात्मा में निवेशित कीजिए। ऐसी आपको शिक्षा देते हुए तो आज हम सब श्री कृष्ण मंदिर 33C सेक्टर चंडीगढ़ में 34वां वार्षिक महोत्सव मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आज का ये जो महोत्सव जिनकी देख रेख में हो रहा है, ऐसे पूज्य तपस्विनी महंत श्री आरती भाई जी शाहपुरकर, तो श्री भाई जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि भाई जी ने श्री बाबा जी के जाने के बाद आप सबको वैसे ही संजो कर रखा। क्योंकि भक्त पुराने हो जाते हैं, संत नए आ जाते हैं, और भक्त नए संतों को एक्सेप्ट करने में उन्हें दिक्कत होती है। तो लेकिन आप लोगों ने भाई जी को प्रेम दिया और भाई जी आपके साथ के साथ अपने इस मंदिर को, धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। तो भाई जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज की इस हमारे धर्म सभा के जो अध्यक्ष हैं परम पूज्य परमादरणीय प्रातः सुने श्रद्धेय श्री नरेंद्र मुनि बाबा जी को भी हार्दिक आभार उनका व्यक्त करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बाबा जी भी भाई जी के साथ उनको सहयोग देते हैं, तो बाबा जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आप सबको बहुत बधाई। तो जाते समय भगवान जी के नाम का जय घोष। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। सागर अपनी गहराइयों कितने ही रत्न हीरे मोती अपने गहराइयों में सजो के रखते हैं, उसी प्रकार अपने नाम के अनुरूप पर पूजनीय दादाजी ने हम किस प्रकार जीवन में इस परमेश्वर मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, अपनी चिर परिचित शैली में और उनके जो समझाने का ढंग इतना सरल है कि हमारे हृदय में अपनी अमिट छाप छोड़ जाता है। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद बाबा जी।